संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते पंजाब दी मंडियां दे विच अज मुजारे होणगे। दस दी कि खेती कानूना अते एफसीआई दे खिलाफ किसानां वल्लों अज प्रदर्शन कीता जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते अज पंजाब दी मंडियां च मुजारे वेखण नूं मिलणगे। दस दी कि खेती कानूना अते एफसीआई दे खिलाफ किसानां वल्लों अज इत्थे जम के प्रदर्शन कीता जाएगा। कणक दी खरीद लई लाईआं शर्तां दे खिलाफ इत्थे आवाज बुलंद करदिआं होइआं मुजारा होवेगा। किसानां आड़तीआं मजदूरां ते प्रशासनिक अधिकारियां दे जरिए पीएम दे मुजारा वेखण मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे ते पंजाब दी मंडियां च अज मुजारे हुंदे वेखे जाणगे। दस दईए कि खेती कानूना ते एफसीआई दे खिलाफ किसानां वल्लों अज इत्थे प्रदर्शन कीता जाएगा। कणक की खरीद लई लाईआं शर्तां के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी, जिसनूं लैके अज मुजारे इत्थे वेखण नूं मिलणगे। किसानां आड़तीआं मजदूरां ते प्रशासनिक अधिकारियां जरे पीएम दे नां मंग पत्र भी सौंपे जाणगे। रमन साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके ने। रमन, जिस नाल किसानी संघर्ष तां लगातार जारी है ते हुण संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते अज पंजाब दी मंडियां च मुजारे भी वेखण नूं मिलणगे। जी दादा, अज दा दिन इतिहास दे चौके विच नजर मार गया, काफी वड्डा दिन है जदों किसानी हकों के लिए अपनी मालकियत के हक की शुरुआत हुई थी, वह पंजाब तो हुई थी। जेकर अभी इतिहास में जाइए तो जो पैपसू सूबा ऐलाने गया थी पंजाब में, जो स्वतंत्र पंजाब 1947 तो बाद होंद में आया, तो उस समय जी एक मुजाहरे होंगे सन जिन्हों को अपनी जमीन की मालकियत नहीं होंगी थी, उन्होंने लगातार संघर्ष करके अपनी जमीन की मालकियत लेनी पई। किशनगढ़ जी है मानसा का पिंड किशनगढ़ जो धूरा बनिया था, बाबा धर्म सिंह जे फकर सन और बचन सिंह जे बख्शीवाल सन, उन्होंने इस लहर में खड़ा किया। तो उस समय के जोड़े रजवाड़े सन, जगीरदार सन, वो उन्होंने जे मुजाहरे थे उन्होंने तो अपन जमीना से काम करवाते सन। बदले के जोड़ा है कुछ खाने ली जी है रास्ता जरूर दिखा जाने, पर उन्होंने मालकियत हक नहीं थी। तो उस समय की जी जदोजहद चलती रही नकोदर रैली में, जो 8 जनवरी 1948 रैली होंगी है, तो उस समय तेजा सिंह सुतंत्र वालों एक मुजाहरा वार कौंसल और पैपसू किसान सभा जी की तैयार की गई। तो हमला होंदा है जदों रजवा मुजाहरिया की लहर शुरू होती है, तो 19 मार्च 1949 यानी कि अज के दिन किशनगढ़ पिंड से हमला होंदा। वो फौजियां जिहड़ियां चढ़दियां ने पिंड में, काफी लोग उस जे मुजाहरे शहीद हो जाते हैं। उस समय जिहड़े सरकार से काफी दबाव पैंदा, मार्शल आर्ट लगा दिता जाता। आखिरकार 1953 के ज्ञान सिंह राड़ेवाला की सरकार डिगदी, उसनों जिहड़ा हैगा देख दिता जाता है। तो 1953 के 3 कानून बनते हैं खेतीबाड़ी का संबंध, जिन्हों के मुजाहरिया 1 रुपए प्रति एकड़ जी है अपनी मालकियत लैन का हक मिल जाता है। तो इस मुजाहरा लैन के बहुत सारे किसान शहीद हुए, अज उन्होंने याद करते हैं, उन्होंने शरदा के फुल भेंट करते हैं। जोड़ा अज है मुजाहरा लहर को समर्पित दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जैसे अज भी जरा मानसा बरनला और खास तौर पर समाणा रहेगा, क्योंकि ये सन बिल्कुल। और जिस अज इतने एक बार फिर तो मुजाहरा वेखण मिलेगा, जिथे खेती कानूना नू रद्द करन दी मांग हो रही है लगातार, उते किसान मोर्चा पैपसू मुजाहरा लहर के शहीदां नू भी श्रद्धांजलि दित्ती जाएगी। सो हर कोई इस जो अंदोलन किसानों का चल रहा है उसके अपने तौर पर योगदान पाता नजर आ रहा है, और अज का दिन बहुत इस लैके अहम है। जी दादा बिल्कुल, जिवें कहिंदे ने इतिहास मुड़ अपने आप नूं दोहराउंदा है, तां अज भी इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा देखेगा, क्योंकि अज भी वह दिन हैगा जदों जमीना की लड़ाई की खातर बहुत सारे किसान शहीद होए सन 1949-1948 के वक्त के दौरान, और 1953 तक संघर्ष चलता रहा जदों तक उन्होंने मालकियत हक नहीं। हुण एससीआई वालों भी सेम यही किया गया कि तुम्हें अपना मालकियत हक दिखाओ, अपना जमीन रिकॉर्ड जोड़ा है सर्टिफिकेट तुम्हें लाजमी होगा जे कर तुम फसल बेचनी। तो अज भी सेम उसी तरह की स्थिति बनती नजर आ रही, इसीलिए जरा अज उन्होंने मुजाहरियां याद किया जाता जिन्होंने अपनी मालकियत की खातर जी है लड़ाई लड़ी सी, जो उन्होंने फसल उन्होंने हक हकूक मिल सकन। अज भी सेम पोजिशन से पंजाब को पूरे देश में लिया के खड़ा कर दिता, अज भी लैंड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मंगे जा रहे हैं। तो अज भी उस लहर में मुड़ ताजा करते हैं, अज एफसीआई के खिलाफ जी है होर आवाज तेज की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, फिलहाल की जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे से पंजाब की मंडियां अज मुजाहरे वेखण नूं मिलणगे। खेती कानून से एफसीआई के खिलाफ किसानों वालों अज इत्थे जम के प्रदर्शन किया जाएगा।